मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रॉम राजपीपला गुजरात। तो आज का प्लान मैं बता दूँ, हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी को एक्सप्लोर करने, और उससे पहले है हमने बुक करी है जंगल सफारी। मैं जब 2018 में आया था तब जंगल सफारी वगैरह फ्लावर वैली कुछ भी नहीं था, वो अब हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। समय लगभग 7:45 हो चुके हैं और 8 से 10 की हमारी बुकिंग है, हमने ऑनलाइन बुकिंग करवाई है। इस समय सिर्फ ऑनलाइन टिकट मिल रही है। वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे एक बार फिर दोबारा, और इसके साथ साथ जंगल सफारी और फ्लावर ऑफ वैली और सरदार सरोवर डैम, तीन चार प्लेसेस हैं जहाँ पे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। रात को हम धीरेन भाई के घर पे रुके थे, जो कि एक राइडर हैं और हिमालय चलाते हैं। यह धीरेन भाई का हाउस है जो कि राजपीपला में रहते हैं, और अमित भाई बिल्कुल रेडी है। रेडी भाई, कल पहुंचेंगे दिल्ली। आज डे 8, कल डे 9 में हम होंगे दिल्ली, और 9 दिन में इतने बेसिस हमने एक्सप्लोर करे हैं, तो पूरी सीरीज देखना आप, प्लीज मजा आ जाएगा। तो अभी चलते हैं। तो गाइज वी आर रेडी टू राइड, और हमारी बाइक पूरी पैक्ड हो चुकी है, और इधर ये अमित भाई भी पैक्ड हो चुके, धीरेन भाई और इनके फादर। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल आपका। नमस्ते आंटी, बहुत अच्छा था आपका ब्रेकफास्ट, बहुत मज़ा आया। तो अभी हम है राजपीपला में, अब हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो गाइस अभी हम थे धीरेन भाई के घर पे, रात को हमारा स्टे वहीं था। तो अब हम निकल पड़े हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने। रीच्ड इन केवड़िया। केवड़िया में है स्टैचू ऑफ यूनिटी, पीछे आप देख पा रहे होंगे सरदार वल्लभ भाई जी का स्टैचू, जो कि वर्ल्ड का नंबर वन स्टैचू है हाइट में। हम हैं केवड़िया में, और अभी हम जा रहे हैं जंगल सफारी, और उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे स्टैचू को। किसी भी पॉइंट पे जाना है तो उसके हर पॉइंट के लिए अलग बस सर्विसेज हैं, तो उसके आगे बोर्ड लिखा हुआ है, आपने जहाँ भी जाना हो, आपने जंगल सफारी जाना हो, आपने स्टैचू के पास जाना हो, आपने फ्लावर वैली जाना हो, सरदार सरोवर डैम जाना हो, हर जगह के लिए सेपरेट बसेस सर्विस है। तो मेरी बस आ गई है। तो ये है गाइस जंगल सफारी का गेट, एंट्री गेट, और यहाँ से हम शुरू करते हैं जंगल सफारी। यहाँ पे सभी तरह के एनिमल्स देखने को मिले। तो गाइस अभी हम हैं जंगल सफारी में। जो बेस्ट अट्रैक्शन है यहाँ की, एक तो अपने इंडियन बर्ड्स का सेम ऐसी केज बना रखा है, ओपन केज, और दूसरा एग्जॉटिक जितने भी बर्ड्स हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं, उसका भी ये केज है। इसके अलावा सारे प्रकार के यहाँ पे जानवर रखे गए हैं, तो बहुत ही शानदार है जंगल सफारी। अभी बिल्कुल नई है, एक साल ही हुआ है इसको खुले हुए, तो फर्स्ट क्लास है, और जल्दी से जल्दी आके देख डालो। तो गाइस ये सामने देख पा रहे होंगे सरदार सरोवर डैम, ये सामने है बिल्कुल सामने, और ये सामने है कैक्टस गार्डन, और उसके साथ है बटरफ्लाई गार्डन,
ये सब रिवर के पल्ली साइड है, तो यहाँ पे तो बहुत कुछ बना दिया है वैसे। हेलो बंगाल टाइगर, हेलो हेलो बंगाल, आमित मांगे बालूवासी बोंगला बोंगला समझता है क्या बोंगली, ए बोंगली टाइगर खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो। तो गाइस ये देखिए एशियन लॉयन, और जिसको हम ढूंढने में कल पूरे गिर के 3-4 घंटे हमने जंगल की खाक छान मारी थी, बेचारे वहाँ नहीं मिले और यहाँ छुपे हुए बैठे हैं। देख लो ये है एशियन लॉयन, इन्हीं को देखने हम कल गिर के जंगल गए थे, और हमने 3-4 घंटे बहुत मेहनत करी थी, बहुत घूमे थे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे। लेकिन भाई साहब ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, गलत बात है यार। गाइस जितने भी एग्जोटिक एनिमल्स हैं आज तक हमने पिक्चर्स में देखे थे, और यहाँ पे बिल्कुल लाइव देखे जा सकते हैं। आप यहाँ के देख सकते हैं लामा, ऑस्टरिच, विंटर बीस्ट, और ये ब्लैक बग, ये देखिए इमू, लोमा, ज़ीब्रा, विंडरवेस्ट, ऑस्टरिच। तो गाइस अभी हम आए थे जंगल सफारी करने, और ये देखिए हमें मिले हैं अहमदाबाद के अंकल। अंकल अपने बारे में बताएं, अपना नाम बताएं। हितेंद्र जे दवे, हितेंद्र जे दवे हैं इनका नाम, और ये अहमदाबाद से आए हैं। तो कितने दिन हो गए आपको आए यहाँ पे? यहाँ 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गया, और आपने किए हैं क्रूज? क्रूज और जंगल सफारी। हाँ, क्रूज का एक्सपीरियंस बताओ सभी को। क्रूज का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। और कहाँ कहाँ घुमाते हैं, कितनी देर घुमाते हैं? 45 मिनट घुमाते हैं वापस में, 45 मिनट वापस। हाँ, मतलब ये मूर्ति के आसपास घुमाते हैं? हाँ, लाइटिंग लाते हैं। हाँ, श्रेष्ठ भारत भुवन से चलती कहाँ से? श्रेष्ठ भारत भुवन, भारत भुवन। हाँ अच्छा, वहाँ से चलती है? वहाँ से चलती है, 45 मिनट तक आते हैं, बाद में वापस ले जाते हैं। अच्छा, 20 मिनट का हॉल्ट रहता है। ओके, जिसको आगे स्टेच्यू जाना है, जिसके पास टिकट है, हाँ हाँ, तो वो ऊपर जाके आते हैं, वो नेक्स्ट ट्रिप में आएंगे वापस। ओके, ओके। जिसके पास टिकट नहीं है स्टेच्यू का, तो 20 मिनट ऐसे ही घूमते हैं गेटी के। तो साथ में डिनर कराते हैं वो, रात को जो है उसमें ऐसा डिनर का व्यवस्था है। रात में डिनर होता है क्रूज में, और 1000 की टिकट है। डिनर कैसा है, बढ़िया? डिनर ये होटल से आता है। बढ़िया है ना डिनर खाने में? बढ़िया है ना। जिसको इंटरेस्ट है वो डांस करते हैं, गरबा गाते हैं, जो भी करते हैं। डांसर भी होते हैं, और वो लाइटिंग होता है, लाइटिंग होता है, एंटरटेन करते हैं। मतलब क्रूज बहुत ही शानदार क्रूज है, टाइम निकाल के आए तो क्रूज भी जरूर करें। आपको 1-2 दिन यहाँ पे रुक के पूरा एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। तो गाइस दिल थाम के बैठिए, देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू है, और 182 मीटर हाइट है इसकी, और साथ में बह रही है नर्मदा रिवर, जो कि मेरे पीछे बिल्कुल देखिए डैम नज़र आ रहा होगा आपको, सरदार सरोवर डैम है पीछे, और इसके जस्ट अपोजिट है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति, सबसे बड़ी मूर्ति है वर्ल्ड की। यह है बस पार्किंग, यहाँ से हर जगह आपको जाने का बस मिल जाएगा, यहाँ से जहाँ भी जाना है, अपने वैली ऑफ फ्लावर में जाना है, जंगल सफारी जाना है, या डैम देखने जाना है, कहीं भी जाना हो तो सब बस यहाँ से मिलेगा आप, और फ्री सेवा है, कोई चार्जेस नहीं है, यहीं पे ला के छोड़ देगा, यहाँ से आप जहाँ मर्जी जा सकते हैं। तो अभी जंगल सफारी हम गए थे तो वो बस में गए थे, और बस ने यहीं वापस ला के छोड़ दिया हमारे को। अब हम चलते हैं अंदर एंट्री पे स्टैचू देखने। हमने एंटर कर लिया है, टिकट दिखानी पड़ती है, उसके बाद एंट्री होती है। और ये देखिए सामने स्टैचू, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट नंबर 1 स्टैचू है हमारे भारत में, इंडिया में। वॉकिंग के लिए अलग ये ऊपर लगा रखे हैं शेड, ताकि धूप ना लगे। इस टाइम बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी लग रही है, और दिसंबर का महीना है, लेकिन रात को ठंड हो गई थी, लेकिन इस समय बहुत गर्मी है। ऐसे घूमने में भी बहुत अजीब सा लग रहा है। और ये सामने लिखा हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और रात को लाइटिंग होती है पूरी, और
लाइट में तो और भी बहुत शानदार लगता है हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो भाई अभी मैं एक्सेलेटर पे हूँ और यहाँ पे आपको पैदल ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं, यहाँ एक्सेलेटर अवेलेबल है जो बिल्कुल मूर्ति के पास लेके आते हैं। ये देखिए मेरे बिल्कुल सामने है वर्ल्ड की हाईएस्ट मूर्ति वल्लभ भाई पटेल जी की, इंडिया का नायाब तोहफा वर्ल्ड के लिए ये है। देखिए देखिए देखिए, कच्छ हो या गुवाहाटी, हमारा देश अपनी माटी। फ्री ड्रिंकिंग वाटर ले ले, ये रहा फ्री ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीते हैं अभी। अभी हम बिल्कुल टॉप पे जा रहे हैं जहाँ पे मूर्ति स्थापित की हुई है, और ये देखिए ये मूर्ति के पैर कितने बड़े हैं, ये देखिए, और ऊपर कितनी ऊंची मूर्ति है, फेस ही नहीं दिखाई दे रहा। गाइस ये सामने जो ब्रिज देख रहे हैं राजपिपला से, इसी ब्रिज से आए थे हम, इस ब्रिज के ऊपर से ये नर्मदा रिवर को क्रॉस करके आए थे। ये है नर्मदा रिवर, ये देखिए ब्यूटीफुल, और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का साइन बोर्ड, और पीछे है हमारे सरदार सरोवर डैम, और वहाँ से ये रिवर निकलती है। और रात को यहाँ पे क्रूज चलता है जिसकी टिकट 1000 है, जिसमें विद डिनर वगैरह सब कुछ होता है, उसमें नाच गाना सब कुछ मिलता होता है, बहुत ही शानदार क्रूज़ है। और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो कम से कम 2 दिन चाहिए आपको पूरी तरह इंजॉय करने के लिए। तो गाइस हमने एक्सप्लोर कर लिया है स्टैचू ऑफ यूनिटी को, और आपको पसंद आया होगा हमारा ये व्लॉग। अमित भाई कैसा लगा? अमित भाई फर्स्ट टाइम आए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी? सिर्फ स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं, ये हमारा इस पूरा गुजरात राइड का भी लास्ट वो था डेस्टिनेशन, और मिलके हमने ऑलमोस्ट एवरी जो भी हमने सोचा था उससे ज़्यादा ही किया है। हाँ, तो एक्स्ट्रा प्लेसेस ही करे होंगे करने की। हाँ, और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इतने टाइम में कुछ कवर नहीं हो सकता था, पॉसिबल नहीं। मैक्सिमम मेन चीज़ें सारी कवर करी है। हाँ, एंड दैट्स ऑल ड्यू टू हमारे प्रदीप भाई, अमित भाई के कारण मिलके अच्छा किया। हाँ, अच्छा टीम वर्क रहा, अच्छा बहुत मज़ा आया, सारे कवर किए। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी वो सबसे मेन था, उस पर हमने एंड किया अपनी राइड का, है ना। तो एक्सेलेंट भाई, तो गाइस प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना हमारे इस ब्लॉग पे, और अमित भाई का चैनल है डॉक्टर ड्रोन एडवेंचर, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना भाई। कोई भी मेरा नया व्यूज है प्लीज़ भाई सब्सक्राइब माय चैनल। तो गाइस राइड हार्ड राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद। एकदम से Thank you.